चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूं। आप देख रहे हैं कि विश्व में तनाव की परिस्थितियां बढ़ रही हैं, चाइना ताइवान को घेर रहा है और अलग फ्रंट बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आज आपको एक और वीडियो दे रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं नई नई जो भी घटनाक्रम आगे दिखाई देंगी मैं आपको जरूर बताऊंगा, पहले बताऊंगा, समय से पहले बताऊंगा कि आगे क्या घटित हो सकता है, किस कालखंड में घटित हो सकता है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में यह महत्वपूर्ण वीडियो है, वॉर एंड अनदर वॉर। लगातार सीरीज हमारी ये चल रही है। आप देख रहे होंगे कि पिछले कई दिनों से, लगभग 1000 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, ये मैं एक आपको कंटिन्यू सीरीज दे रहा हूं जिसमें बीच बीच में आपको रिमाइंड कराता रहा हूं कि क्या परिस्थितियां कब बिगड़ सकती हैं और परिस्थितियां कुछ उसी तरह से आगे लगातार बढ़ रही हैं। अभी केवल 2022 है, ध्यान रखना, मैंने जो आपको टाइम दिया हुआ है 2020 से 2029 तक, इतना बदलाव होने वाला है कि जिसकी अभी तक आपने आशा भी नहीं की होगी, आपको उस तरह की कोई भी एंटिसिपेशन नहीं होगी। तो खैर, आज मैं इसके बारे में आपको देने जा रहा हूं कि क्या परिस्थितियां आगे विनिर्मित होने वाली हैं या निर्मित होने वाली हैं। तो देखिए, मैंने जो आपको पीछे वीडियो दिया था उसमें कुछ डेट्स दी थी जिसमें आपको बताया था अगस्त बहुत ही इफेक्टिव है और सितंबर 30 सितंबर तक परिस्थितियां बहुत विपरीत हैं। अगस्त में मैंने कुछ डेट्स बताई थी, आपको याद होगा। उन डेट्स के बारे में आपको जस्ट बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने ग्रुप्स में शेयर करिए और कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करिए, क्योंकि यहां पर मैं आपको दुनिया के यूनिक वीडियोस देता हूं। दुनिया में आप हमारे जो वीडियोस हैं उनको मैच करिए, आपको इस तरह के सामग्री, इस तरह का मटेरियल, इस तरह की आपको फ्यूचर की गणना कम ही जगह पर मिलेगी। इसका मतलब वो यूनिक होगी, आप देख पाएंगे। तो अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो डेट्स हमने दी थी वो क्या होने वाला है, चलिए ये है आपका मैप वर्ल्ड का और हम इस पे आपको बताना चाहते हैं कि जो इस समय परिस्थितियां चल रही हैं वो, एक तो यहां पर आप देख रहे हो रूस, तो रूस के साथ जो परिस्थितियां यहां पर निश्चित तौर पे एक बड़ी स्थिति पैदा कर रही हैं, जिसमें रूस और यूक्रेन के साथ लगातार युद्ध की परिस्थितियां चल रही हैं। अब यहां पर क्या है, जो हमने आपको केंद्र बताई थी, एक केंद्र तो ये चल रहा है, एक केंद्र अभी निर्माण तुरंत हुआ है और जे पर्टिकुलर आप जो क्षेत्र देख रहे हैं, दिस वन आपको दिख रहा होगा पूरा का पूरा, ये रहा आपका ताइवान। अभी क्या हुआ है, 2 अगस्त को इतनी बड़ी घटना हुई जो मैंने बताया था, 2 अगस्त, 4 अगस्त, 8 अगस्त, 16 अगस्त और 22 अगस्त बहुत ज्यादा प्रभावी है। हालांकि ये पूरा ही कालखंड प्रभावी है 30 सितंबर तक का, लेकिन ये डेट्स मैंने आपको खास दी थी, याद होगा आपको। तो देखिए, 2 को क्या हुआ, ये पूरा का पूरा टेंशन हुआ। आज 4 अगस्त है, 4 अगस्त 2022 आपके सामने दिख रहा होगा, 1939, इस समय शाम के 7:39 हुए तब मैं ये आपको वीडियो दे रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज सुना होगा कि अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच भी युद्ध की परिस्थितियां बन गई हैं। अजरबैजान ने अर्मीनिया के अंदर जाके हमला किया है, कुछ लोग मरे हैं, कुछ सैनिक उनके मरे हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हैं और कुछ क्षेत्र पे उसने कब्जा कर लिया। इसका मतलब एक नया फ्रंट जो सो गया था वो खुल गया। इसके बारे में मैं पहले वीडियो दे चुका हूं, आर्मेनिया और अजरबैजान कि ये दोबारा से युद्ध होगा। आप देख जाके देखिए हमारा वीडियो पीछे कि दोबारा युद्ध ये फिर होगा, ये बंद हो गया कुछ समय के लिए, हथियार दोबारा से इकट्ठे होंगे और फिर ये युद्ध होगा। हमारा वीडियो पड़ा है, उसका देखूंगा मैं, कोशिश करूंगा तो हम डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक भी दे देंगे। ध्यान रखिए, अभी एक और महत्वपूर्ण फ्रंट खुलने वाला है, ये जो आप देख रहे हो दिस वन, जहां पे आप टर्की, ईरान, ये ईरान देख रहे हो, ये क्षेत्र जो देख रहे हो पूरा का पूरा, यहां पर ये परिस्थितियां, ईरान ये रहा, इराक ये रहा, यहां पर ये परिस्थितियां बनने वाली हैं।
जहां इजराइल के साथ एक बड़ी घटना दिखाई दे रही थी जो मैंने आपको बताई थी, वो अभी घटित होने में कुछ समय है, वो भी घटित होगी बहुत जल्दी। इसका मतलब है आज एक और फ्रंट खुल गया रूस का, लगातार चल ही रहा है ये। और इधर एक बहुत बड़ी यहां पर परिस्थिति बन रही है। तो अब जो मैंने लिखा था वॉर एंड अनदर वॉर, इसका मतलब ऐसे में होता क्या है कि हर व्यक्ति, हर देश के, हर शासक के दिमाग में बस युद्ध युद्ध और युद्ध चलता है, वो शांति की तरफ सोचता ही नहीं है। अमेरिका की अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, उसको पैसा चाहिए। अमेरिका दुनिया को बर्बाद करना चाहेगा लेकिन अपनी अर्थव्यवस्था खराब नहीं होने देना चाहेगा, तो उसको क्या करना है, हथियार बेचने। तो हथियार बेचने तो विश्व के कुछ क्षेत्रों में युद्ध भड़का दो, हथियार कहां से खरीदोगे, या तो रूस से खरीदोगे या अमेरिका से खरीदोगे। रूस ऑलरेडी युद्ध में फंसा हुआ है, कहां जाओगे, अमेरिका के पास, उसकी अर्थव्यवस्था जबरदस्त हथियारों पर टिकी हुई है और वहां जो हथियार निर्माता कंपनीज हैं उनका बहुत ज्यादा से होता है, अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सरकार है उसमें। तो ये युद्ध को जगह जगह पर भड़का के और वहां अपने हथियार अरबों खरबों की बेच देंगे। अभी आपको पता है जापान ने कई अरब रुपए की हथियार खरीदे हैं, कई अरब रुपए का समझौता हुआ है। इसी तरह से ताइवान के साथ होगा। इनको मतलब नहीं कहां पे डिस्टर्ब हो रहा है, कितने लोग मर रहे हैं, कितने गरीबों का क्या हो रहा है, ह्यूमैनिटेरियन जो सोच है बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो समझ लीजिए ये विकास कैसा थोथा विकास है। आप समझ सकते हो कि युद्ध होने दो, मरने दो, हमारे हथियार बिके, हमें कोई लेना देना नहीं। तो इसलिए ये परिस्थितियां, नहीं तो अमेरिका को ताइवान की स्वतंत्रता की बहुत चिंता है। दुनिया में और भी तो कई देश हैं जहां पर इस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, अफ्रीका है और है, लेकिन वो गरीब देश है, वो पैसा नहीं दे सकते, हथियार नहीं खरीद सकते, उनके पास पैसा नहीं है। ताइवान के पास पैसा है क्योंकि वहां की अर्थव्यवस्था अच्छी है, क्योंकि वहां जितने भी आप ये चिप्स देखते हैं जो हमारे लगते हैं मोटर कार्स में या हमारे लैपटॉप्स में या जो ये मोबाइल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के कई महत्वपूर्ण कलपुर्जे वो बनाता है और उसका विदेशी व्यापार दुनिया में बहुत ज्यादा है, वो लीड करता है कई चीजों में, उसका जो है कई खरब का जो व्यापार है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हो गया कि अमेरिका उसको एक मुर्गी की तरह समझ रहा है, सोने की, जो कि अंडे देने वाली है। चाइना के साथ युद्ध भड़काएगा तो हथियार किससे खरीदा, ताइवान उसी से खरीदेगा। इसी तरह से ऐसे ही देशों को यह पकड़ता है। अब यूक्रेन को पकड़ा, यूक्रेन ने हथियार खरीद लिए जितने, बर्बाद हो गया, अब उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, उसको छोड़ दिया अपने हाल पे, कितने लाखों लोग वहां प्रभावित हो गए, कोई गया कोई नहीं गया। तो ये मत सोचिए ये है कि किसी के साथ इनका बहुत बड़ा योगदान है और ये प्रजातंत्र के रक्षक हैं और ताइवान को ये अपने सिर आंखों पे रखना चाहते हैं, दोस्ती है उनसे, बिल्कुल नहीं। जिस दिन ताइवान निचुड़ जाएगा उस दिन उसको भी, उससे भी कोई लेना देना नहीं होगा। लेकिन इसी यही कहानी है चाइना की भी, यही कहानी, वो दूसरे तरह से उत्पीड़न करता है, वो कर्ज दे दे के सबको खरीद लेता है, ब्याज इंटरेस्ट और इतनी शर्तें लगा देता है। तो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं किसी ना किसी तरह से डेवलपिंग कंट्रीज का या और कंट्रीज का इसी तरह से उत्पीड़न करते हैं और उनकी अर्थव्यवस्थाओं को अपने लिए यूज करते हैं कि तुम कमाओ और हमें दो, हथियार खरीदो। तो ये इसका फंडा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि यहां ताइवान को घेर लिया गया, जैसा कि मैंने बताया था अपने पहले वीडियोस में, या वैसी परिस्थिति होगी कि उसको घेरा जाएगा, जो हमारी जो एयर जोन है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा और उसके ऊपर लाइव इस समय ड्रिल चल रहा है। तो निश्चित तौर पर मानिए कि युद्ध तो होना है, ये युद्ध होना है। चाइना इसको जल्दी खत्म करना चाहेगा, अमेरिका फिर इसको बढ़ाना चाहेगा, वही चीज जो यूक्रेन के साथ थी। तो अगर एक बार भूल से युद्ध शुरू हो जाता है तो फिर चाइना के हाथ में नहीं रहेगा इसे समाप्त करना, फिर यह युद्ध आगे बढ़ेगा, ध्यान रखिए। तो चाइना चाहता है, चाइना का हमेशा यही रहा है पॉलिसी कि जाओ क्षेत्रों को कब्जाओ और बंद कर दो युद्ध, फिर उसके बाद आगे नहीं बढ़ना चाहता। चाइना बहुत लंबे युद्ध नहीं करना चाहता क्योंकि उसकी सेना भी इतनी स्ट्रांग नहीं है। टेक्नोलॉजिकली अगर देखें तो अमेरिका आज भी लीड करेगा और लास्ट में जीत अमेरिका की होने वाली, भले ही युद्ध यहां पर हो रहा है, चीन के पास हो रहा है, लेकिन जो अमेरिका का जो ग्रुप है बहुत स्ट्रांग है। अमेरिका का ग्रुप इतना स्ट्रांग है, चाहे वो आप दक्षिण कोरिया देख लें, चाहे जापान देख लें, ये देख रहे हैं बिल्कुल पास में जापान है, दक्षिण कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, चाहे इंडिया है,
ये सभी जो है किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से बंधे हुए हैं। फिर पूरा नेटो है, या आप देख रहे हो पूरा यूरोप है, और अमेरिका तो अपने आप में है ही एक बहुत बड़ी शक्ति। तो इसका मतलब है एक बहुत बड़ा जो है कॉन्ग्रीगेशन है उसके पास, बहुत बड़ा एक संयुक्तिकरण है। तो अल्टीमेटली चीन की अर्थव्यवस्था, उसके दो पर्पस पूरे होंगे अमेरिका के। पहला, चीन की अर्थव्यवस्था भी अगर हताहत होगी, खराब होगी, तो वो अमेरिका के समकक्ष नहीं हो पाएगा, ये भी उसके फायदे में है। दूसरा, वो हथियार खरीदेगा ताइवान, तो भी अमेरिका के फायदे में, उसकी बल्ले बल्ले है दोनों तरफ से। वो नहीं चाहता है कि हमारे टक्कर में कोई अर्थव्यवस्था आए, हमारे टक्कर का कोई इस दुनिया में कोई देश बन सके। तो वो चाइना को भी प्रभावित करना चाहेगा, चाइना की अर्थव्यवस्था को, चाइना के पूरे सिस्टम को प्रभावित करना चाहेगा। आपस में लड़वा देगा, सप्लाई करेगा हथियार, और खुद भी खड़ा हो जाएगा हत्या इसमें युद्ध में, जिससे कि इसकी पराजय हो सके और चीन और ज्यादा विकसित ना हो सके। तो यह है कुल मिलाकर अमेरिका। अमेरिका कभी भी युद्ध यहां नहीं करेगा, ध्यान रखना, इस क्षेत्र में किसी को नहीं फटकने देगा, कभी भी कोई नहीं आ सकता है इस क्षेत्र में, आएगा सो ही वो उसको खत्म कर देगा। यहां युद्ध लड़ेगा, यहां लड़ेगा, यहां लड़ेगा, और हर जगह लड़ेगा। वो अपने क्षेत्र में किसी को नहीं आने देगा। जो ये देख रहे हो, ये अटलांटिक महासागर, इससे इतर कोई नहीं आ पाएगा, इससे इतर ही सब युद्ध होंगे। ये अमेरिका है, ध्यान रखिए, ये कभी भी अपने इंटरेस्ट को पीछे नहीं रहने देगा, चाहे उसके लिए इसे कुछ भी करना पड़े। तो अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि जब ये युद्ध अवश्यंभावी होगा, अवश्यंभावी हो गया इसका मतलब अवश्य होगा। तो जब अवश्य होगा, तो हमने आपको बता दिया कि अगस्त सितंबर इसके लिए पर्टिकुलर जो टाइम चल रहा है उसमें सबसे इफेक्टिव है। तो 2 तारीख को यहां पे जबरदस्त कन्फ्रंटेशन हुआ, 2 तारीख को ही आई थे वो, जो वहां की स्पीकर थी, बता चुका हूं उसके बारे में। और 4 तारीख को आज यहां पर फिर एक बार स्थिति हो गई शुरू, जो अजरबैजान और उसके बीच में हुई है, आर्मेनिया के बीच में एक और फ्रंट खुल गया। अब 8 तारीख आ रही है, 8th ऑफ अगस्त, ध्यान रखिए 8th ऑफ अगस्त को यहां पर चाइना ताइवान पर हमला कर सकता है। अब इसको फिर उसी तरह मत लीजिए कि 8 तारीख को ही करेगा, मैं एक आपको पॉसिबल टाइम बता रहा हूं, हमला तो अभी कर सकता है, क्यों, वो टाइम पूरा चल रहा है 30 सितंबर तक का, कभी भी कर सकता है। लेकिन मैं आपको और एक्यूरेट करके थोड़ा सा बताने का प्रयास कर रहा हूं कि 2 तारीख को एक घटना हुई, 4 को दूसरी हुई, अजरबैजान और आर्मेनिया की हुई, और 2 को पूरा का पूरा ये एकदम वर्स्ट हुआ, जिसको आप कहते हैं टेंशन। 8 को यहां पर बड़ी कोई चीज हो सकती है, कोई बड़ी घटना हो सकती है, कोई बड़ा मिसाइल अटैक या कोई बड़ा रॉकेट हमला या कोई बड़ा और कोई एयर स्ट्राइक हो सकती है, कुछ इस तरह की, कोई सिलेक्टिव, कोई इस तरह की स्ट्राइक शुरू हो सकती है 8 अगस्त को, ध्यान रखिए। और 8 अगस्त को ये जो स्ट्राइक होगी वो शाम को 8 बजे से लेके, शाम को 8 बजे से लेके और सुबह के 5:30 बजे तक होगी। फिर ध्यान रखिए इसको, 8 बजे कोई मतलब है इसका, तभी मैं आपको बता रहा हूं। तो इसका मतलब है कभी भी हो, मैं तो आपको ये और ज्यादा माइन्यूट बताने का प्रयास करता हूं, ओवरऑल ये समझ लीजिए कि 8 अगस्त एक बार फिर टिपिकल डे मींस जिसमें युद्ध भड़क सकता है। 8, फिर 16 है, फिर 22 है, अभी 3 डेट्स हमारे पास पड़ी हुई है। तो पूरा का पूरा अगस्त का महीना और सितंबर का महीना पूरा बहुत ज्यादा प्रॉन टू वॉर है, वॉर के लिए कंड्यूसिव है। इसका मतलब युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, लेकिन ये जो डेट्स हैं ये और ज्यादा कंड्यूसिव है, बस इतना है और कुछ नहीं। युद्ध कभी भी छिड़ सकता है, आपस में कन्फ्रंटेशन कभी भी हो सकता है, कोई बड़ी घटना कभी भी हो सकती है। हो सकता है कि कोई द्वीप दूसरा उस पर आक्रमण किया जाए, चीन उस पर हमला करे, इस तरह की परिस्थितियां मैं आपको पीछे वीडियोज भी दे चुका हूं कि किसी द्वीप पर हमला होगा और विश्व शुरू हो जाएगा, कोई पोत जलपोत डुबोया जाएगा या उस पर हमला किया जाएगा और तब भड़क जाएगा। तो उस घटना का इंतजार करिए, वो आने वाली है, और अगर वो आ गई तो समझ लीजिए कि वो परिस्थितियां सामने आ जाएंगी, जिसको आप बड़ा संघर्ष कहते हैं। तो इस तरह से 3 फ्रंट, एक तो ये चल रहा है जो हमने बताया अभी, रूस का और इसका यूक्रेन का, इसके बाद में क्या है दूसरा, ये देख रहे हैं आप, आर्मेनिया और अजरबैजान, इसका आ गया। अब तीसरा जो है वो यहां पे चल रहा है, ये वाला फ्रंट चल रहा है, और चौथा जो बहुत प्रॉन है वो कौन सा बताया था आपको अभी, ये बताया था इसराइल का
और ईरान का या और जो देश है वो बीच में शामिल हो सकते हैं, जिसमें पोलैंड भी आपको बताया था, याद होगा, ये रहा यूक्रेन ये है, बेलारूस पोलैंड ये है। तो बेलारूस और रूस दोनों लगभग इकट्ठे होकर लड़ रहे हैं, यूक्रेन ये रहा जिसका एक बहुत बड़ा भाग रूस ने ले लिया है अपने कब्जे में, और वहां पर मार मार के बम मार मार के मिसाइल गड्ढे बना दिए हैं, बहुत बुरा हाल कर दिया है। अब यूक्रेन के साथ अभी प्रत्यक्ष रूप से अभी तक कोई नहीं गया, उसको बर्बाद कर दिया, उसकी इकोनॉमी को खराब कर दिया, उसके पैसे उससे ले लिए हथियार बेच बेच के, अब वो बर्बाद हो गया, उसके साथ कोई नहीं खड़ा। ठीक ताइवान के साथ भी आप देखेंगे, पहले हथियार दिए जाएंगे, उसकी अर्थव्यवस्था थोड़ी स्ट्रांग है, करोड़ों के अरबों के हथियार दिए जाएंगे, उसको थोड़ा साथ दिया जाएगा जिससे कि युद्ध और बढ़े, दोनों की अर्थव्यवस्थाएं खराब हो, विनाश हो, इनका अर्थव्यवस्थाएं भी खराब हो और ये आगे और ना बढ़ पाए। तो ये पॉलिसीज हैं इन डेवलप्ड कंट्रीज की, बताइए जब ये है तो इस पृथ्वी पर क्या होगा, कैसे यहां पर शांति आएगी, कैसे यहां पर कहते हैं राम राज्य या कोई और अच्छा राज्य आएगा जिसको पीसफुल, जहां पर एक दूसरे के प्रति बहुत सम्मान होगा। ये सब सपने हैं, ये सब एक छोटे लेवल पे हैं। जब ये लोग जब डेवलप्ड कंट्री बन जाते हैं तो इनको ये सब कुछ ध्यान नहीं रहता है, कितने गरीब मरेंगे, कितने भूखों मरेंगे, कितने बेचारे उसमें जाएंगे जिसको आप कहते हो शिविरों में जाएंगे, जिनके पास खाने को भी नहीं होगा, भोजन और वस्त्र और कुछ भी नहीं, पानी नहीं होगा शुद्ध पीने के लिए, इन्हें कोई लेना देना नहीं। यूएनओ पता नहीं कहां गया, कोई अस्तित्व नहीं, मैंने बोला था यूएनओ इररेलीवेंट हो जाएगा, हो गया, कोई आपको यूएनओ की तरफ से कोई रिमार्क्स आ रहे हो, कोई कुछ आ रहा हो, कहां है, आपने एक संगठन बनाया था। खैर तो ये परिस्थितियां हैं कि युद्ध की परिस्थितियां चल रही हैं, वॉर एंड अनदर वॉर ये यहां पर चल रहा है, चाइना पीछे नहीं हटेगा किसी भी स्थिति में, ताइवान को अपने हाथ से नहीं जाने देगा और ये युद्ध में ही परिणति होगी। सब देश मिलकर जब चाइना को पराजित कर देंगे तभी ताइवान की स्वतंत्रता होगी, बीच में ताइवान की स्वतंत्रता को प्रोक्लेम किया जाएगा, कुछ देश मिलकर उसको स्वतंत्र घोषित करने का प्रयास करेंगे, लेकिन चाइना नहीं मानेगा और चाइना युद्ध करेगा। ध्यान रखिए जब तक चाइना हाल बेहाल नहीं हो जाएगा तब तक वो किसी भी हालत में ताइवान को स्वतंत्र नहीं घोषित होने देगा। तो ये परिस्थितियां हैं फ्रेंड्स, युद्ध के काले बादल आपके सामने हैं, यही बादल मैं आपको लगातार बताता था और पीछे की वीडियोस मैंने जो दिए हैं पिछले एक साल में उनको देखिए, लगातार मैंने बोला है कि चाइना ताइवान एक बहुत बड़ा, हर वीडियो में ही लगभग युद्ध का जो वीडियो दिया होगा मैंने बताया होगा आपको, और वो परिस्थितियां आज आपके सामने आ चुकी हैं। तो निश्चित तौर पे ये आसान, ये बहुत इजी है, जैसे लोग करते हैं ना समीक्षा, ये आपके रक्षा के बारे में रक्षा विशेषज्ञ कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, पहले से कर रहे हैं कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा, ये आज परिस्थिति यहां तक आ गई। मैं शुरू से कह रहा हूं नहीं, युद्ध की परिस्थितियां हैं और ये बहुत बुरी दशाब्दी जाने वाली है 2029 तक, जिसमें वो कुछ होगा जो शायद अभी पिछले 300 सालों में घटित नहीं हुआ होगा। चलिए आपने ये वीडियो देखा, मैंने लिखा है एक वीडियो में आपको दिया है 31 साल में वो होगा जो पिछले 3000 सालों में नहीं हुआ होगा, यस वो सब कुछ होगा 31 सालों में, आप याद रखिए। तो आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इस पर मैं अपडेट आपको देता रहूंगा और फिर बताऊंगा कि क्या परिस्थितियां आगे बनने वाली हैं। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।